अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फिज़िक्स 9th और मैट्रिक क्लास की। आज जो हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्न अल हतीम के कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी, इन द फील्ड ऑफ द फिज़िक्स। सो जब हम किसी पर्सन को डिस्कस करते हैं तो उस पर्सन को जानना बहुत ज़रूरी है। ये तस्वीर है, हु इज़ ही, कौन है, हम अपनी किताबों में देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। यस, दिस इज़ अबू अली हसन इब्न अल हतीम, ठीक है। इब्न अल हतीम ने कब पैदा हुए, क्योंकि जब हम किसी पर्सन को किसी साइंटिस्ट के बारे में लिखते हैं तो हमें उसकी पूरी बायोडेटा मालूम हो कि कहाँ पैदा हुए, उसने क्या किया, कौन से काम किए और उसका फिज़िक्स के लिए, अपनी उस फील्ड के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है। तो थोड़ी सा हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं कि इब्न अल हतीम यानी अबू अली हसन इब्न अल हतीम का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है। ये ग्रेट स्कॉलर हैं, ये बहुत बड़े स्कॉलर हैं फिज़िक्स के, क्योंकि बहुत ये जो साइंटिस्ट होते हैं इनकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन होती है हर फील्ड में। क्योंकि अब हम डिस्कस यहाँ पे फिज़िक्स को कर रहे हैं तो रिगार्डिंग टू द फिज़िक्स हम इसको डिस्कस करेंगे। इसकी और भी होंगी, और भी चीज़ें हैं जो टेक्स्ट बुक का पार्ट हैं वो भी हम इस करेंगे, लेकिन हम फोकस करेंगे फिज़िक्स को। ये बसरा इराक का शहर है, उसमें पैदा हुए और 965 AD में पैदा हुए। यानी अबू अली हसन इब्न अल हतीम वाज़ अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ़ द फिज़िक्स। ही वाज बॉर्न इन बसरा द सिटी ऑफ इराक और ही वाज बॉर्न इन 965 AD। ये साइंटिस्ट 1039 AD में वफात पा गए, इसका इंतकाल हो गया, ही डाइड इन। ये साइंटिस्ट बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट थे, जिसको अबूर था इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में भी इसको बड़ा अबूर था, मेडिसिन भी, एस्ट्रोनॉमी और डिस्कस द नेचर ऑफ़ द लाइट। इसने फिज़िक्स के नेचर ऑफ़ द लाइट को डिस्कस किया। इसने बहुत सारी किताबें लिखी, उनमें से जो इसका किताब मशहूर हुआ फिज़िक्स में, ऑप्टिक्स में, वो था किताबुल मनाजर। यानी इसका जो मोस्ट फेमस, मोस्ट नोन जो बुक है वो किताबुल मनाजर है। ही इन्वेंटेड पिनहोल कैमरा, इसका फिज़िक्स में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसने सन एलिप्स को देखने के लिए इसने पिनहोल कैमरा को इन्वेंट किया। ये साइंटिस्ट को जब हम इन चीज़ों को थोड़ा सा कंपाइल करें, अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि अबू अली हसन इब्न अल हतीम वाज बॉर्न इन बसरा द सिटी ऑफ इराक इन 965 AD एंड ही डाइड इन 1039 AD। ये इसका इंट्रोडक्शन है। जब हम कंट्रीब्यूशन में हम लिखेंगे, ये एक ग्रेट फिजिक्स स्कॉलर था, फिज़िक्स का, मैथमेटिक्स का, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन एंड मच मोर अदर्स। जब हम इसके कंट्रीब्यूशन लिखना चाहेंगे तो ही रोट मैनी बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। यानी ये जितने सारे ये सब्जेक्ट्स हैं उन पे इसके बहुत सारे जो किताब हैं वो लिखे हुए हैं। इसका जो फिज़िक्स के अंदर इंतहाई अहम किताब है वो किताबुल मनाजर है। द फेमस बुक ऑन द ऑप्टिक्स इज़ द किताबुल मनाजर। ही क्रिटिसाइज प्रोटोनमी एंड क्लूड थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ द लाइट on the practical grounds in his books. He discussed the nature of the light and told that it is a kind of energy. Light का जो रोशनी की जो माहियत है इसको इसने डिस्कस किया और ये बताया कि ये रोशनी itself is nothing but it is the kind of energy. ये एक तवानाई का नमूना है, किस्म है। He defined ray of light, formation of images by spherical mirrors and gave two laws of reflection. Light का ray शुआ को इसने डिफाइन किया, जो images spherical mirrors के थ्रू बनते हैं उनको डिफाइन किया, उसको बताया,
एंड दो कानून जो दिए रिफ्लेक्शन के, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल वॉज डिस्कवर्ड दैट अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ मीडियम टेक्स टाइम टू ट्रांसवर्स ऑन द पाथ. ये बहुत ही अहम ये जो प्रिंसिपल था, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ मीडियम टेक टाइम टू ट्रांसवर्स ऑन द पाथ, ये उसका बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन है. इसने इन्वेंट किया पिनहोल कैमरा को टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द सन एलिप्स. तो इतने सारे जो इसके कंट्रीब्यूशन हैं, तो होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी. आप इनको रिवाइज करें. अगर आपको उसको समझ नहीं आया तो दोबारा रिपीट करें वीडियो को और देखें. और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखें. और फर्दर जो आगे वाला वीडियो है वो देखना ना भूलिएगा. थैंक यू.